अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं अबू बकर और आप देख रहे हैं लेसन फॉर टेक एंड गेमिंग। दोस्तों, आज की मेरी वीडियो बनाने की वजह है कि मेरा एक दोस्त है जिसने मुझे कहा कि मोबाइल की एमबीज बढ़ाने का सबसे आसान तरीका बताया जाए। तो मैंने उससे कहा कि भाई मैं इस दिन मैं वीडियो अपलोड करूँगा, आप वहाँ से देख लीजिए। तो आज मैं आपको मोबाइल की एमबीज कम करने का तरीका बताऊँगा। दोस्तों, अगर आपके मोबाइल में ज़्यादा एमबीज अगर आपके मोबाइल में जल्दी फुल हो जाता है तो ये आप वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि अपने मोबाइल की एमबीज को जल्दी फुल होने से कैसे बचाया जा सके। तो दोस्तों, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। चलिए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो दोस्तों, आपके मोबाइल में एक ऐसी फ़ाइल होती है जो कि हर हफ्ते बाद बन जाती है, वो भी खुद ब खुद। तो आप हर हफ्ते जब इस फाइल को डिलीट करेंगे तो आपकी जो मैं आपको भी फाइल दिखाता हूँ। दोस्तों, आपको करना क्या है, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि आप मेरी आने वाली हर वीडियो से आगाह हो सकें। दोस्तों, आपको अपना इंटरनल स्टोरेज खोल लेना है। तो इधर आपने अपनी फाइल्स में जाना है। ये देखें, मेरे 451 MB है। अगर हालांकि मेरा मोबाइल 16 GB का है तो 451 MB जो है वो भी बाकी हैं। तो इधर से मैं अभी एक फ़ाइल डिलीट करूँगा जिससे मेरी जो MBs हैं उसमें इजाफा हो जाएगा। तो अभी मैं आपको इसमें दिखाता हूँ। तो अपने यहाँ पे 3 जो है वो आपने इंटरनल स्टोरेज खोल लेना है। तो आपने इधर से थोड़ा सा आपने नीचे आना है। तो नीचे आते ही आपको एक ऑप्शन शो होगा व्हाट्सएप का। व्हाट्सएप का आपको फोल्डर नज़र आ रहा होगा। आप इन्हें इधर जाना है तो इधर 2 फोल्डर हैं, एक डेटाबेसिस का और एक मीडिया है। आपने क्या करना है, आपने डेटाबेसिस जो फोल्डर है उसे आपने खोल लेना है। यहाँ पर देखिएगा 250 MB की 3 फाइल्स हैं। दोस्तों, ये फालतू फाइल्स हैं, इनसे हमारा जो मोबाइल की MBs हैं वो ज़्यादा होती रहती हैं। तो ये आपने 250 की जो MBs की फ़ाइल है, आपने ये फोल्डर को डिलीट कर देना है। तो अब फिर हमारे जो मोबाइल में ख़राबी तो कोई भी नहीं आएगी, लेकिन जो हमारे मोबाइल की MBs है उसमें इजाफा ज़रूर होगा। आपने डेटाबेस फोल्डर को डिलीट कर देना है। तो जब आप डिलीट करेंगे तो आप वापस आएंगे अपने इंटरनल स्टोरेज में। देखिए, मेरी अब MBs में इजाफा हो गया। अब ये हो गया है 1.17 GB की अभी मेरी जगह है जो खाली पड़ी हुई है। आपने रोज़ ही हर हफ्ते बाद ये रूटीन बनानी है कि व्हाट्सएप फोल्डर में जाना है, उसमें आपके साथ इधर मीडिया के साथ खुद ब खुद डेटाबेसिस का जो फोल्डर है वो बन जाया करेगा। तो आपने उसको फिर डिलीट कर देना करना है। तो इससे आपकी जो मोबाइल की जो मेमोरी है वो जल्दी ख़त्म नहीं होगी। दोस्तों, उम्मीद है कि मेरी आज की वीडियो आपको पसंद ज़रूर आई होगी। तो अगर अभी आपने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।